आज भाई पैसे लेके रह गए, बहुत दिन हो गया। अरे बहुत दिन। अरे कोई है, मर गए सब? अरे खोलो। अरे कहाँ गए या मर गए सब? अरे खोलो गेट यार। कहाँ चले गए यार? अरे गेट खोलो ना, इनका डेली का हो गया अब। आती हूँ। कौन है आप लोग और इस तरह से यहाँ पे आ गया? नाप शनाप क्यों बोल रहे हैं? क्या हुआ भाभी, और ये लोग कौन है? रेनू पता नहीं ये लोग कौन है, हमारे घर पे आके इतना शोर मचा रहे हैं। हो गया तुम दोनों का ड्रामा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तेरे पति ने जिस बैंक से 2 लाख रुपए का लोन लिया था ना, उस बैंक के रिकवरी एजेंट है हम। रिकवरी एजेंट? लोन? लोन का? रेनू जो तुम्हारे भैया ने लोन लिया था। हम यहाँ 1 महीने से चक्कर काट रहे हैं, हम पागल हैं क्या जो डेली आएंगे यहाँ पे? हमारा वक्त खराब मत करो। देखिए सर, आप प्लीज पहले तो धीरे बात कीजिए, यहाँ पर सब लोग पड़ोसी सुनेंगे तो क्या कहेंगे, हमारी क्या ही इज्जत रह जाएगी। हाँ भाभी सही कह रही है, आप लोग ऐसे 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 चलाते रहेंगे तो पड़ोसी क्या सोचेंगे? यही तो हम चाहते हैं कि लोग हमारी बात सुने और तुम्हारी बदनामी हो, तभी तो हमारे पैसे वापस मिलेंगे। देखिए अब चुप हो जाइए, अब भगवान के लिए हमें हमें कुछ दिन की मोहलत और दे दीजिए, हम आपका लोन चुकता कर देंगे। बस बहुत हुआ तुम्हारा ड्रामा, अगर 2 दिन के अंदर हमारे पैसे वापस नहीं मिले ना तो लेडीज पुलिस को बुलाकर तुम दोनों को पकड़वा दूंगा। इसको अब क्या करेंगे हम? अभी तो हम जा रहे हैं, कल फिर आएंगे। और पता है ना, लेडीज पुलिस और जेल और उसकी मार। क्या हुआ भाभी, और ये क्या है? रेनू ये कुछ गहने हैं जो तुम्हारे भैया ने मेरे लिए बड़ी मेहनत से बनवाए थे। हाँ। और तुम्हें तो पता ही है वो लोन वाले कितनी हमारी बेइज्जती करके गए हैं। और रेनू अभी इन्हें बेचने के सिवा ना हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। नहीं नहीं भाभी। सुनो रेनू, तुम एक काम करो, ये जेवर ना जाके कहीं बेच आओ। अब मैं ही नहीं ले सकती भाभी। लेकिन रेनू हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, वो लोग फिर आकर हमारी बेइज्जती करेंगे। भाभी हम गहने नहीं बेचेंगे, कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे, पर गहने नहीं। तुम समझो। पर भाभी नहीं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा भगवान मैं क्या करूं, कैसे वो लोन के पैसे मैं चुकाऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा रेनू मैं क्या करूं। भाभी हम कहीं और से पैसे लाएंगे, पर ये गहने नहीं, ये भैया ने आपके लिए बनाए ना। रेनू मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। रेनू मैं जाके आती हूँ। हाँ भाभी। और सुनो घर पे ध्यान से रहना, कहीं वो फिर से ना आ जाओ, कोई तमाशा ना करो, है ना? तुम ध्यान से रहना, ठीक है रेनू? भाभी ये बैंक से डॉक्यूमेंट आता, वैसे आप कहीं जा रहे हो क्या? हाँ भैया हम कहीं जा रहे थे, वो एक्चुअली तुम्हारे भैया ने ना कुछ लोन लिया था, बस उसी के पैसे का इंतजाम करने के लिए जा रहे थे भैया हम। और ये गोल्ड बेचने जा रहे थे? नहीं 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 भाभी ऐसा मत करो आप, मेरे को पता है ये बैंक वाले ऐसे ही करते हैं, ठीक है? वो तो पड़ोसी को दे जाते हैं कि आपकी बदनामी हो यहाँ पे और आपको शर्मिंदगी महसूस हो। भाई आप टेंशन मत लो, आप मुझे बस ये बताओ वो नेक्स्ट टाइम कब आने वाले हैं। 2 दिन का टाइम दे के गए कि हम 2 दिन बाद फिर आएंगे तुम्हारे यहाँ पर। ठीक है कोई बात नहीं है, मैं उन्हें देख लूँगा, मैं तो आरबीए से हूँ, आपको पता ही है। अच्छा भाभी जब भी वो नेक्स्ट टाइम आएंगे आप मुझे बस कॉल कर देना। ठीक है भैया हम आपको कॉल कर देंगे, थैंक यू भैया। रेनू शायद वो भाभी को आया। हाँ एक मिनट। हाँ जी। हाँ हो गए 2 दिन, कहाँ है पैसे? 5 मिनट में आ रहे हैं, आप जब तक चाय पी लीजिए, आ जाइए। आप आइए ना अंदर प्लीज सर, 5 मिनट आप बैठिए। हमें चाय वाय कुछ भी नहीं पीनी, आप हमारे पहले पैसे दे दीजिए। सर प्लीज आप जब तक चाय पियेंगे पैसे आ जाएंगे, आप आइए ना अंदर। सर देखिए जब इतना टाइम हो ही गया है तो 5 मिनट और सही, प्लीज आप आइए ना। 5 मिनट में आ रहे हैं, आप जब तक चाय पी लीजिए। छोड़ यार चल पी लेते, चलो प्लीज सर। पता नहीं आज भी पैसे देंगे कि नहीं देंगे। मुझे लग रहा है आज भी चाय पिला के भेज देंगे यार। अगर आज चाय पिला के भेज दिया ना
तेरे को तो पता ही है क्या करना है। कर लीजिए आप, चाय ले लीजिए। चाय तो हम पी लेंगे पर पैसे? सर बस अभी अभी पैसे, रेनू वो जो पैसे के लिए मैंने आपको बोला था। लाइए सर आप प्लीज चाय लीजिए, बस मैं पैसों का करती हूँ। आप चाय तो पीजिए सर प्लीज। आप जल्दी करिए, हमें जाना भी है। बुला रहे हैं तो। हाँ रेनू जो हेलो भैया आप आ जाइए, वो आ गए हैं। ठीक। हाँ भाई कैसे बैठो यहाँ पे? हम दोनों बैंक के रिकवरी एजेंट हैं और हम अपने लोन का पैसा लेने आए थे। और आप कौन? मैं RBI से हूँ भाई। तुम्हें नहीं पता RBI के बारे में? कैसे बैठो यहाँ पे? तुम्हें गाइडलाइंस नहीं पते अच्छे तरीके से? तुम रिकवरी एजेंट हो ना लोन डिपार्टमेंट के, तुम्हें पता है ना कि हम किसी को भी 8 बजे से पहले और 7 बजे के बाद कॉल नहीं कर सकते, किसी के घर में बिना परमिशन नहीं आ सकते। सॉरी सर। कैसे आ गए यहाँ पे? नहीं पता क्या कि तुम्हें रिकवरी एजेंट हो ना तुम लोन डिपार्टमेंट के, तुम्हें रूल्स नहीं पता क्या? 8 बजे से पहले और 7 बजे के बाद हम फ़ोन नहीं कर सकते किसी को, बिना किसी के कंसेंट के हम घर में नहीं आ सकते, और ऊपर से तुम जेल की धमकी दे रहे हो ना। मैं बताऊँ तुम्हें, नहीं जान रहे क्या तुम सारी चीज़ें? अब तो तुम लोग जेल जाओगे बेटे। इस तरीके से पैसे मिलते हैं लोगों को? तुम्हें नहीं पता अच्छे तरीके से कोई बात क्या? क्या कर रहे हो तुम? जेल की धमकी दे रहे हो दूसरों को, बता रहे हो ना कि हाँ आपको हम जेल करा देंगे। तुम्हें खुद को पता है पहले रूल्स? रूल्स पढ़ो जाके पहले। तुम बताओगे मुझे? अब तो बेटे तुम लोग जाओगे जेल। जेल सर? नहीं सर हम नहीं जाएंगे जेल। अब तो तुम लोग जाओगे। सॉरी तुम लोग बन रहे थे ना बहुत तेज। सॉरी सर तुम आके किसी के घर पे ऐसे धमकी दे रहे हो कि हम तुम्हें जेल ले जाएंगे। सॉरी सर गलती हो गई सर, अब की बार से ऐसा नहीं करेंगे हम, ये जो भी छोड़ देंगे सर। सॉरी सर माफ कर दो सर। प्लीज मत करना सर। सॉरी सर हम गरीब लोग हैं सर, आपसे नहीं करेंगे। बहुत सुना है तुम लोगों के बारे में, बहुत काफी लोगों को तुमने परेशान कर रखा ना, बहुत सारे लोग तुम्हारी वजह से सुसाइड कर रखा। आज के बाद ये गलती नहीं होगी सर, प्लीज सर। सॉरी सर। सॉरी सर निकलो यहाँ से जल्दी। सॉरी सर। तो देखा आप लोगों ने, जितना आप इनसे डरेंगे वो इतना ज़्यादा आपको डराएंगे। RBI कहता है आप इनसे डरे ना, ये कॉल सेंटर से डाटा ले लेते हैं और आपके पड़ोसी रिश्तेदारों को मैसेज करते हैं कि इन्होंने हमसे लोन ले रखा है, आपके बारे में ये गलत गलत बातें कहते हैं, जिनसे आप इनके पैसे लौटा दो। आपको शर्मिंदगी महसूस हो, आप बेशर्मी फील करो अपने अंदर, तो इनसे आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, RBI आपके साथ है। धन्यवाद।